ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने लिया बदला। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल। आज भारत सोच कर आया था कि ऑस्ट्रेलिया से हार का बदला लेकर रहेंगे और टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। पिछले मैच में एरोन फिंच और डेविड वार्नर ने जिस तरह से टीम इंडिया को शिकस्त दी थी, विराट सेना ने सोच लिया था कि अगले वनडे में चुन चुन कर बदला लेंगे और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका यह फैसला आज गलत साबित होगा। जब मैदान पर शिखर धवन और रोहित शर्मा उतरे थे, तभी ये मालूम हो गया था कि आज टीम इंडिया कुछ अलग करने वाली है। रोहित शर्मा और शिखर धवन जमकर बरसे। हालांकि रोहित शर्मा 42 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शिखर धवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, इस बार उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए, 78 रन जोड़े। हालांकि बीच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी होते नजर जरूर आए, लेकिन आखिरी ओवर में केएल राहुल ने भी जाते जाते जलवा दिखा दिया, चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। 80 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने 341 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, भारतीय बल्लेबाजों ने अपना जादू दिखाया था, गेंदबाजी तो अभी बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर उतरे डेविड वार्नर और एरन फिंच ने मैदान पर जमने की कोशिश की, लेकिन तीसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर का विकेट उड़ा दिया। उसके बाद एरन फिंच और स्मिथ ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी भी कुछ काम नहीं आई, क्योंकि एरन फिंच 82 रन के स्कोर पर चलते बने। एरन फिंच के आउट होने के बाद स्मिथ और लेबुचग्ने ने एक अच्छी साझेदारी की और टीम के स्कोर को 178 रन तक पहुंचाया, लेकिन जडेजा ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जडेजा ने लेबुचग्ने को चलता कर दिया, क्योंकि ये भारतीय गेंदबाज हैं, जो सोच कर आते हैं उसे पूरा भी करते हैं। एक तरफ स्मिथ डटे रहे, लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाकर ही जाएंगे, लेकिन 98 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने उन्हें बोल्ड कर दिया। फिर तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए और इस तरह से टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर ली और ये मैच जीत कर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब देखना होगा कि अगले मुकाबले में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है, क्योंकि अगले मैच में भी टीम इंडिया जीत के इरादे से ही उतरेगी। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए।